सब्जेक्ट साइंस यूनिट नंबर 2 द सेंसेस हवास। हम अपने जो है पेज नंबर 5, 6, 7 हम पढ़ चुके हैं, हम पेज नंबर आज एट पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, वर्क इट आउट करना है हमें, क्या है, चॉइस फ्रॉम दी वर्ड रिलेट टू ई सेंस एंड आंसर। हम बच्चों हमें ये सेंसेस दिए गए हैं, हमें इनके डिस्क्रिप्शन इनके आंसर बता दिए गए हैं, जैसे कि टेस्ट दिया गया है, टेस्ट किस किस्म के होते हैं ये दिए गए, जैसे कि स्वीट, सॉर, बेटर, साल्टी, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन। इसी तरीके से हमें दूसरा सेंस क्या दिया गया है, टच। टच करते हमें किस तरह का महसूस होता है, या तो वो सॉफ्ट होगा एंड देन क्या होगा, या तो वो रफली होगा, ठीक है, नरम मुलायम होगा या खुरखुरा जो होते हैं ना वो होगा। उसके अलावा तीसरा क्या दिया गया, हेयरिंग, सुनने की सुनने का, ठीक है, सॉफ्ट एंड लाउड। हमें पता है सुन कैसे सॉफ्ट भी होते हैं, वॉइस जो होती है किसी की लाउड होती है। उसके बाद हमें दिया गया है साइट, देखने का नजरिया, किस कलरफुल है या तो ब्राइट है, मतलब कलरफुल रंग बिरंगी या ब्राइट चमकता हुआ एकदम, ठीक है। एंड उसके बाद है स्मेल, सूंघने का, स्मेल सूंघने का, जैसे प्लेजन या अनप्लेजन, मतलब खुशबूदार या बदबूदार, ठीक है। अब इसके मुताबिक हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, हमें ये एक्टिविटी करनी है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हाउ डज इट टेस्ट, इसका कैसा जायका, हमें सबसे पहले क्या दिया गया, टेस्ट दिया गया, फर्स्ट क्या दिया गया, टेस्ट दिया गया, ये जायके लिखे हुए। अब हमें बताना है इनमें से ये कौन सा जायका है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, नमकीन। अब हम देखेंगे और उसके बाद ये करेंगे। ये कैसा है, लेमन, लेमन कैसा होता है, सॉफ्ट, खट्टा होता है, एस ओ यू आर, सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद ये हमें दूसरा क्या दिया गया है, कैंडी, कैंडी क्या होती है, हमें पता है स्वीट होती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, स्वीट, ठीक है। इसके बाद ये आपने बताना है कॉफी किस जायके की होती है, ठीक है। उसके बाद ये बतानी है फ्रेंच फ्राइज चिप्स किस जायके की होती है, ठीक है। इसके अलावा ये हमें, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, हाउ डज इट साउंड, साउंड हमें आवाज के बारे में बताना है कि लाउड है या सॉफ्ट है। इसी तरीके से यहाँ पे हमें दिया गया है हेयरिंग, सुनने का, सॉफ्ट लाउड। हमें पता है कि चिड़िया जो होती है वो किस तरह की आवाज निकलती है, सॉफ्ट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्ट लिखेंगे। उसके बाद हमें पता है कि एम्बुलेंस होती है वो किससे आवाज निकलती है, मतलब वो लाउडली होती है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, लाउड। उसके बाद है हाउ डज इट लुक, मतलब अब हमें क्या बताना है, साइट, मतलब मंजर बताना है किस तरीके का है। यहाँ पे हमें पता है जब सूरज की किरणें ये सब निकलती हैं तो यहाँ बिल्कुल ब्राइट सा हो जाता है, तो हमने क्या बताना है, ये ब्राइट। उसके बाद ये रेनबो, हमें पता है जब रेनबो निकलता है तो ये कलरफुल होता है, तो देखें यहाँ क्या है, कलरफुल। उसके बाद है हाउ डज इट स्मेल, हमें इसकी स्मेल, बदबू या खुशबू है वो बतानी है। जैसे डस्टबिन है, हमें पता है डस्टबिन में से जो खुशबू आती है वो अनप्लेजर, बदबूदार आती है, तो हमने क्या लिखना है इधर, अनप्लेजर। उसके अलावा यहाँ क्या है, फ्लावर, फ्लावर से हमें पता है खुशबू आती है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, प्लेजर। उसके अलावा हाउ डज इट फील, हमें पता है टेबल जो होती है वो सॉफ्ट होती है। इसके अलावा जो ट्री होते हैं तो इनकी स्टेम जो होती है वो हमें पता है काफी रफ होती है, तो हमने यहाँ क्या लिखना है, टेबल कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और उसके अलावा ये स्टेम क्या होती है, रफ होती है, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ और ये रफ। बच्चों ये आपकी एक्टिविटी है, आपने डिस्क्रिप्शन को देखते हुए आपने ये पूरी एक्टिविटी करनी है, या आपका वर्क है, आपको इसका काम करके लाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, आज का लेक्चर हमारा।